अंदर 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 भैया भैया एक बार ना बंदा थोड़ा सा भैया 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 ओ भैया थोड़ा सा भैया 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 सामने अरे भैया गेट वहाँ लगा दिया था तो थोड़ा सा हटिए तो सही निश्चित तौर पर मैं जा रहा हूँ। नमन जी इधर नमन जी कैमरा इधर हाँ सर अरे कैमरा माइक नीचे रख भाई। हाँ बोलिए के तीन माइक आज आपको बुलाया गया है क्या कुछ तैयारियों के साथ आप बोल रहे थे इधर मुझसे जो इधर इधर दस्तावेज मांगा गया था उन दस्तावेजों को मैं लेके आ रहा हूँ और इस केस से संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझे पूछेगी जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच बताऊंगा। क्या कुछ दस्तावेज हैं सर? बैंक का डिटेल्स मांगा गया है और क्या पूछेगी तो जब मैं अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा और उसके बाद मैं आप सब हमको निकलने के बाद जानकारी दे दूंगा। कैश कांड मामले में आज नमन विक्सन कोंगाड़ी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अंदर ईडी के अफसरों का सवालों का जवाब देने में लगे हुए हैं। मामला कोलकाता में शुरू हुआ था जहां झारखंड के तीन विधायक इरफान अंसारी राजेश कच्छप और नमन विक्सन कोंगाड़ी को 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था और वहीं रांची में अरगोड़ा थाने में जीरो FIR कर सरकार गिराने का भी आरोप लगा था। हालांकि इरफान अंसारी ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने समन भेजकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अभी तक से राजेश कच्छप और इरफान अंसारी से पूछताछ हो चुकी है और आज नमन विक्सन कोंगाड़ी ईडी कार्यालय पहुँच ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी ने अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है वह पेट्रोल पंप बताया है और वही राजेश कच्छप कल जो पूछताछ हुई ईडी कार्यालय में उन्होंने भी अपने सोर्स ऑफ इनकम में माइनिंग की बात कही। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आज पूछताछ में नमन विक्सन कोंगाड़ी का जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या बताते हैं। नवभारत टाइम्स के लिए रांची से नैयर।